रिंकू सिंह के जानते हैं आप लोग जी? अरे उहे रिंकू सिंह जो आईपीएल में 5 बॉल पे 5 को छक्का मार के एक रात में बहुत बड़ा स्टार बन गया। रविवार से अभी तक उनका नाम पूरे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है मानिए कि आसमान से एलियन उतर के नीचे आ गया है और उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं। खैर चर्चा हो रही है वो तो बहुत बढ़िया बात है, काहे कि रिंकू सिंह इतिहास जड़ दिए हैं 5 बॉल पे 5 को छक्का लगा के। रविवार को जो मैच हो रहा था गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों के बीच में, वही मैच में रिंकू सिंह 5 को छक्का लास्ट ओवर के 5 बॉल पे 5 को छक्का जड़ देते हैं। अब देखिए जानने वाली एक और बात है कि रिंकू सिंह गूगल पे इतना ज्यादा सर्च हो रहे हैं, कि उतना तो सनी लियोन भी अपने जमाने में नहीं हुई थी। लेकिन रिंकू सिंह से सर्च नहीं हो रहे हैं, जानते हैं किस चीज से सर्च हो रहे हैं? वो हो रहे हैं सर्च रिंकू सिंह कास्ट। अब लोग इनका कास्ट देख रहा है, जाति देख रहा है कि आखिर रिंकू सिंह कौन जाति से आते थे जो 5 को छक्का मार दिए। इतना पावर आखिर कौन जाति में था भाई कि इतना छक्का मार दिए? और जाति वाला जब तक ठप्पा नहीं लगेगा तब तक जातीय लोग उनका सपोर्ट और जातीय लोग विरोध आखिर कैसे कर पाएंगे? इसीलिए सर्च हो रहा है जाति। लेकिन गूगल को भी देखिए कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह लिख के रख लिया है, कुछ और नहीं लिखा है कि कौन कास्ट से रिंकू सिंह आते हैं। अब कुछ जातिवादी लोगों का पोस्ट हम पढ़ के आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनिए बहुत मजा आएगा। अलीगढ़ के एक दलित लड़के रिंकू सिंह ने, सुन रहे हैं, दलित लड़के, इनको दलित बना दिया गया। खैर जो भी हो, दलित हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कुर्मी हो, यादव हो, उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ के एक दलित लड़के रिंकू सिंह ने 1 ओवर में 5 छक्के मारकर गुजरात को धूल चटा दी। पिता गैस सिलेंडर घर घर देते हैं और छोटा भाई रिक्शा चालक है, आज भी दम रखते हैं, अगर मौका मिला तो इतिहास भी लिख देगा ये लड़का। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट में जातिवाद का बोलबाला है उस हिसाब से लगता है कहीं इसका कैरियर खराब न कर दे, बस डर इस बात का है। जय भीम। देख लिए पहला कमेंट आपके सामने हम पढ़ के सुना दिए, लेकिन इसमें देखिए जातिवादी पोस्ट भी किया गया है और इसको डर भी वही जातिवादी से है जो जातिवादी मानसिकता लेके ये पोस्ट किया है। कैरियर तो वो जातिवाद लोग खराब करते हैं जिसको जाति का ठप्पा लगा के उसको उठाने और गिराने लगते हैं। अभी यहाँ देखिए जाट समाज के गौरव रिंकू सिंह को 5 छक्के लगातार मारकर इतिहास रचने पर बधाई, संपूर्ण जाट समाज को आप पर गर्व रहेगा। अब समझ जाइए रिंकू सिंह कौन जात से है भाई, वो जाट जात से है। फिर आगे आइए, सिद्ध समाज से गौरव रिंकू सिंह को 5 छक्के लगातार मारकर इतिहास रचने पर बधाई, संपूर्ण सिद्ध समाज को आप पर गर्व होगा। अब देखिए इस सिद्ध समाज हो गए, अब आगे आते जाइए और कौन कौन समाज रिंकू सिंह को बांटा जा रहा है वो दिखाते हैं। ब्राह्मण समाज के रिंकू सिंह को 5 छक्के लगातार मारकर इतिहास रचने पर बधाई, संपूर्ण ब्राह्मण समाज को आप पर गर्व रहेगा। अब वो रिंकू सिंह ब्राह्मण भी हो गए, पहले जाट थे फिर सिद्ध हुए उसके बाद अब ब्राह्मण हो गए हैं। अब देखिए और आगे रिंकू सिंह कौची होते हैं। सैनी समाज के गौरव रिंकू सिंह को 5 छक्के लगातार मारकर इतिहास रचने पर बधाई, संपूर्ण सैनी समाज को आप पर गर्व होगा। देख लिए वही रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह एगो है, लेकिन वही रिंकू सिंह को कितना सारा समाज से जोड़ दिया गया आज, सोचनीय बात है कि आज जोड़ा गया। इससे पहले रिंकू सिंह छप्पर वाले घर में रहते थे तो कोई नहीं गया था बोलने कि रिंकू सिंह हमारे समाज से है, तो इनको थोड़ा सा उठाने का प्रयत्न किया जाए और जो इनके छत से पानी टपकता है उसको भरने का कोशिश किया जाए। लेकिन वही रिंकू सिंह रातों रात इतिहास रच देता है तो सब के जात का हो जाता है भाई, मतलब समझिए ये सिर्फ जातिवाद सिर्फ हमारे बिहार में नहीं, ये जातिवाद ऑल ओवर इंडिया में होता है और कितना ऊपर लेवल तक होता है वो सब आप लोग देखिए।